हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया आपका रूबी के जहाँ रियल ब्लॉग में। तो ये है सुबह का टाइम, अभी हो गई है सुबह और ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का नज़ारा सुबह सुबह का, जो कि बड़ा ही ठंडा हो रहा है। बहुत ही तेज़ हवा चल रही है जोरों वाली और बहुत तेज़ ठंड भी है। तो ये मेरे हाथ में जो निशान है, ये जल गया था मेरा हाथ। क्या कहते हैं, सब्जी के जो भाप होती है उससे हाथ जल गया था। तो मुझे लगा थोड़ा सा ही होगा और लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। एक हफ्ता होने आ गया है। तो देखिए यह बाहर का नज़ारा, और ये नीचे नारियल की गाड़ी लगी है क्योंकि हमारे जो ग्राउंड फ्लोर पे है उसमें नारियल की दुकान है, तो यहाँ से ही इन लोग सप्लाई करते हैं। और देखिए अभी तक यहाँ पे सोए हुए हैं, तो ये सोए रहेंगे क्योंकि रात को बहुत लेट आए थे ये। तो चलिए किचन में दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे मैं चाय रख दी हूँ और अपने दूध दूध निकाल के रख दी हूँ मैं यहाँ पे, और ये काली चाय बन रही है मेरे हस्बैंड की। तो चलिए मैं बच्चों को उठा देती हूँ पहले, क्योंकि उठते उठते उन लोग को भी आधा घंटा हो जाता है। मम्मी ये क्या होता है करके हो? मम्मी मम्मी तू जाग रहा था तो उठ के आया क्यों नहीं? जाग रहा था, उठ के आया क्यों नहीं? बोल रहा दीदी दीदी थोड़ा सा मेरे को अपने पास सुला लूंगा। भैया को जगाओ, भैया को। ये तो उठी नहीं रहा। जगाओ, देखो कैसा सोया है टेढ़ा मेढ़ा। मम्मी मेरे को दो। मैं नहीं, मैं दे, मैं ली हूँ, तुम जगाओ भैया को। अजय ए भाई उठ, जल्दी जगाओ। ए भाई उठ, ए भाई, ए भाई बोलो जल्दी उठो, स्कूल जाने का है तेरे को भी। स्कूल जाना है? मेरे को नहीं जाने, मैंने रह गया था। तुमको भी स्कूल जाना है? अरे मेरे को नहीं जाना है। क्यों? तो कि मेरा छुट्टी है और भाई का छुट्टी नहीं है। अच्छा, तो हनुमान की मस्ती चलती रहती है। तो उन लोगों को मैंने ब्रश वगैरह करा दी हूँ, चाय दे दी हूँ, वो लोग पी रहे हैं। और ये आ गई मैं फिर नाश्ता बनाने के लिए। तो ये बनाने जा रही हूँ अंडे की भुर्जी, और थोड़े से चावल को मैं भूनूंगी, और थोड़े से जो अंडे की भुर्जी है थोड़े ज़्यादा बनाऊंगी, उसको मैं निकालने वाली हूँ क्योंकि उसको मैं आटे में स्टफ करके बनाने वाली हूँ आलू के पराठे की तरह। और बच्चों के लिए आलू का पराठा बनेगा, तो पहले मैं ये तैयार कर देती हूँ क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। और देखिए नारियल पानी हनुमान ने पिया है आधा आधा, मैंने पी ली थी तो यहाँ पर रखा है। और किचन सुबह सुबह कुछ ज़्यादा ही मैशी सा लगता है, एकदम फैला फैला सा, क्योंकि सवेरे ढेर सारे काम होते हैं, किचन भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है। इस वजह से थोड़ा अलग ही लगता है किचन, एकदम फैला हुआ सा। तो इसको हम लोग बाद में समेटेंगे सारे काम होने के बाद। तो मैं जा रही थी आज नुमान को बोलने, वो चाय नहीं पी रहा है, बड़ा मस्ती कर रहा है क्योंकि स्कूल जाने का भी टाइम हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन बनाने के लिए। तो मैंने आलू आलू उबाल के रात में ही रख ली थी, तो उन लोग के लिए जा रही हूँ पराठा बनाने के लिए। तो बस दो आज़ाद के लिए बनाऊँगी, एक नुमान के लिए, तीन ही पराठा बनाऊँगी, बाकी के जो है आटे में उनको रख दूँगी उठा करके। इन लोग के लिए एकदम सादे से पराठे बनते हैं, बस नमक और हल्दी डाल के और थोड़ी सी लाल मिर्च की पाउडर डालती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं डालती, ना तो इन लोग के धनिया मिर्चा ये सब डालो तो निकाल निकाल के फेंकते हैं और खाते नहीं अच्छी तरीके से। तो ये हम लोग का सुबह का नाश्ता है, ये सुबह की रूटीन है, यही चलते रहता है सुबह के टाइम में, बच्चों का भी नाश्ता। तो ये देखिए मेरी कितनी फूली फूली से रोटी बनी है, एकदम एकदम फूली फूली रोटी है ये, आलू के पराठे जो हैं। और मैं स्टफिंग बहुत ज़्यादा ही भरती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों लोग को उसमें आलू दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा तो वो लोग बोलेंगे मम्मी तुमने ये क्या बना दिए, इसमें तो आलू बिल्कुल नहीं है। इस वजह से बहुत ज़्यादा भर के और एकदम अच्छी क्वांटिटी में भरती हूँ और अच्छा सा बनाती हूँ। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल, सारे काम हो चुके थे, झाड़ू पोछा सब हो गया है। यहाँ पे मैं धो रही हूँ कपड़े, और कपड़े में आज हाथ से धो रही हूँ, और काफ़ी ठंडा पानी है तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा है, तो इतने ज़्यादा गंदे नहीं थे कपड़े, तो इनको मैं हाथ से ही धुल रही हूँ फटाफट। और हाथ से धुल के मशीन में सुखा के फिर मैं इसको डालूंगी ताकि जल्दी से सूख जाए। अगर ये मशीन में नहीं सूखेंगे तो इनको 2 दिन लग जाएगा सूखने के लिए, क्योंकि धूप उतनी तेज़ नहीं होती है और हमारे बालकनी में धूप बिल्कुल भी नहीं आती है। और अभी पानी भी चला जाएगा, इसलिए मैंने
कपड़े धुल के यहाँ पे टांग दी फटाक से, ताकि मैं पहले बाथरूम वगैरह सब साफ़ कर लूँ, नहीं तो अभी पानी जाने वाला है। तो पहले बाथरूम तो साफ़ करूँगी, बाल्टी वगैरह सब धुलना है, ये सब गंदे हो चुके हैं। और यहाँ पे सब झाड़ू पोछा सब हिना कर चुकी है, तो मैं कपड़े धो रही थी, हिना झाड़ू पोछा कर रही थी, तो दो जन काम करते हैं मिलकर, तो फटाफट काम हो जाता है। तो देखिए सारे काम हो चुके हैं, हम लोग का नहाना धोना सब हो चुका है। अभी किचन आ रही, किचन में तो मैं बनाने जा रही हूँ मीना, मेरे लोग का किचन का खाना बन रहा है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 1:30 बज गए हैं। अभी नमाज़ पढ़ के डायरेक्टली आई हूँ किचन के अंदर, तो ये बनाने जा रही हूँ मीना। तो मैंने पहले ही प्याज को फ्राई कर दी, आलू भी फ्राई कर ली हूँ मैंने, उसमें टमाटर डाल दी हूँ, यह है धनिया मिर्चा और अदरक का पेस्ट, नहीं सॉरी धनिया मिर्चा अदरक लहसुन का पेस्ट है ये, तो इसमें हरा मसाला ही डालती हूँ, बाकी सब में हरा ही मसाला डालती हूँ मैं, लेकिन निमोने में खास करके हरा मसाला। और मटर को मैंने थोड़े अच्छे से भून ली हूँ, ऐसे ही बिना तेल के भून के रखी हूँ मैं, तो इनको आधा पीसूँगी मैं और आधा ऐसे ही डालूँगी, ताकि खड़ा खड़ा थोड़ा सा ऐसे चबाने में मुँह में आ जाए, इसलिए। तो ये मसाला हमारा एकदम अच्छी तरीके से भुन चुका है, और लाइट शायद चली गई थी, अच्छा मैंने मटर मसाला जल्दी से पीस ली थी, नहीं तो फिर मुझे अटक जाना पड़ता, फिर मुझे या तो खून के डालना पड़ता या फिर इंतज़ार करना पड़ता, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और देखिए मैंने मटर एकदम बारीक नहीं पीसी हूँ, हल्का सा मतलब दरदरा ही है, तो ये मटर पहले से भुने हुए हैं, तो इसको ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसी तरीके से भुन के बनाती हूँ। अगर आप कच्चा ही पीस के फिर उसको अच्छे से तेल में फ्राई करोगे तो ही उसका टेस्ट आता है, तो मैं कच्चा नहीं पीसती हूँ, मैं उसको पहले भून लेती हूँ उसके बाद ही पीसती हूँ। तो थोड़े से मटर मैंने बचा ली थी ऐसे ही खाने के लिए, और क्योंकि एकदम ताज़े वाले मटर हैं ये, एकदम मीठे मीठे से, तो इनको अच्छे से भून के मैं इसमें नमक डाल दी हूँ, और बाकी गरम मसाला डालूँगी मैं, क्योंकि गरम मसाला मेरा पीसा हुआ है तो मुझे पीसना नहीं पड़ता है, तो गरम मसाला पीस के मैं रख लेती हूँ पहले ही। और अभी तो कोई फ़िलहाल आया नहीं है खाना खाने के लिए, क्योंकि थोड़ा लेट ही आने वाले, इसलिए थोड़ा लेट खाना भी बन रहा है। हम लोग ने सोचे पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद खाना आराम से बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि आज कोई जल्दी नहीं आने वाला, 2 बजे के बाद ही सब आने वाले हैं। तो ये बन रहा है आज निमोना एकदम, और स्कूल से मुझे फ़ोन आ गया है आज़ाद के, तो मुझे स्कूल भी जाना है आज़ाद के, कुछ काम है, टीचर ने मतलब पता नहीं क्या बोली है, इसने मुझे कुछ बोला नहीं है, सिर्फ बुलाया गया है मुझे स्कूल में, तो वहाँ भी जाना है, इसलिए मैं और जल्दी कर रही हूँ। तो अभी मैंने नाश्ता भी नहीं की हूँ, तो ये देखिए मैंने जो सुबह भुर्जी बनाई थी अंडे की, वो भुर्जी को मैंने ये आटे में डाल के रोटी बनाई थी एकदम पराठे की तरह, तो देखिए कितना मस्त सा बना है ये, और अच्छा लग रहा था खाने में, टेस्टी लग रहा था। तो एक मैंने एक ही बनाई थी, और भुर्जी मैंने बचा के रख ली थी, अगर किसी को खाना होगा तो बाद में खा लेंगे, क्योंकि मैंने एक ही बनाई थी, पता नहीं कोई खाएगा या नहीं खाएगा, तो ये एक ही बना है, तो ये फटाक से खा लेती हूँ, और अभी मुझे जाना है स्कूल, तो चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ फटाक से, उसके बाद आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो थोड़े टाइम तक मैंने इंतज़ार की थी अपने हस्बैंड को फ़ोन की, तो वो अभी नहीं आ रहे, उनको टाइम लगेगा आने में, तो मैं अकेले ही जा रही हूँ, बोले आप जाओ और मैं वहाँ से फिर लेते आऊँगा तुमको, तो मैं जा रही हूँ स्कूल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और एक लाइक तो ज़रूर कर दिया करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।